कल नहीं आना? नहीं आना यार, मतलब कॉल टाइम नहीं आएगा? नहीं, अफ्तारी नहीं होगी साथ, तरबूज नहीं आएंगे? मैं पाशा के घर जा रहा हूँ यार, मतलब बोरे में पाशा के घर जा, रोएंगे नहीं सेट पे आके कल से? अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए सहर खान के ड्रामा सीरियल फेरी टेल के बिहाइंड द सीन, लास्ट एपिसोड के बिहाइंड द सीन्स लाया हूँ। तो आप लोग ने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप लोग सारे बिहाइंड सीन्स को एंजॉय कर सकें। ड्रामा सीरियल फेरी टेल अचानक से शुरू हुआ और अचानक से ही ख़त्म हो गया। मीन कि रमज़ान ट्रांसमिशन था, सिर्फ 30 एपिसोड्स ही थे, तो अब लास्ट एपिसोड भी आने वाला है, तो उसके बिहाइंड द सीन आपको दिखाता हूँ। वीडियो को आगे देखने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो करते हैं अपने वीडियो का काउंट डाउन स्टार्ट और आप लोगों को दिखाता हूँ फर्स्ट बिहाइंड द सीन। सही है, मतलब यार ऐना, अदनान, अली भाई कल नहीं आना? नहीं आना यार, मतलब कॉल टाइम नहीं आएगा? नहीं, अफ्तारी नहीं होगी साथ, तरबूज नहीं आएंगे? मैं पाशा के घर जा रहा हूँ यार, मतलब बोरे में पाशा के घर जा रहा हूँ, रोएंगे नहीं सेट पे आके कल से? अब अदनान को लाइन याद नहीं करवानी पड़ेंगी? कौन सी लाइन्स? यार आ जाओ सोने, कल से तो मेकअप नहीं करोगी, दांत नहीं खाओगी? भाग जाऊंगी यहाँ से। यार निसार भाई कल से आप नहीं आएंगे? क्यों यार, क्या हुआ है? कल आएंगे। वो भी इधर सगावे, कल गाड़ी में कितने बजे बैठना है? सर आप बैठ जाएं सुबह 8:30 बजे। ये अपनी अली भाई आप जा रहे हैं? सब आ जाए, सब आ जाए। अली भाई पिक्चर लेनी है जो ये मैंने पिछले आप लोगों को क्लिप शेयर किए हैं, ये लास्ट एपिसोड्स के क्लिप थे, तो आप लोगों को कुछ और भी चटखटे इस ड्रामा सीरियल के बिहाइंड सीन दिखा देता हूँ ताकि ड्रामा सीरियल आप मिस करें। अस्सलामुअलैकुम सबको। कोशिश की मगर फिर भी सीन याद नहीं हुआ है। भरपूर कोशिश सीन याद करने की। मेरे इतनी मासूम हीरोइन कहाँ मिलेगी? पिछले एक घंटे से मैं हीरो के रेडी होने का वेट कर रही हूँ और हीरो जो है वो रेडी नहीं हो रहे हैं। अभी आधा घंटा और चाहिए। अली भाई आए जरा यार, ये सही करें यार। अभी उठी है। नाजरीन ये जो बिहाइंड द सीन्स थे वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो आप लोगों को ड्रामा सीरियल फेरी टेल कैसा लगा, कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा और कौन सा डायलॉग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और आप लोग क्या ड्रामा सीरियल फेरी टेल को मिस करेंगे या नहीं, ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नेक्स्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी अच्छी वीडियो में, अपनी खास तौर में याद रखिएगा ताकि मैं आपके साथ नेक्स्ट ऐसी वीडियो शेयर करता रहूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।